एक तरह तो इस तरीके नाल एक पर्टिकुलर चेहरे नूं किसी भी चेहरे ते फिट किया जा सकता है जस्ट लाइक दिस। इस तो पहला कि मैं इस खास इंटरव्यू की शुरुआत करा, पहला मैं कंप्यूटर स्क्रीन ते थानू दो वीडियो दिखाना चाहूंगा, उस तो बाद आपां शुरू करांगे। और ये अजकल दी इस दुनिया की सब तो ज्यादा सर्च की जाने वाली चीजा ने जिहड़ी तुहाडे नाल मेरे नाल हर किसी नाल जुड़ी हुई ने, उन्होंने जिंदगी से जुड़ी हुई ने। पहला मैं कंप्यूटर स्क्रीन ते थानू दो वीडियो दिखावांगा जी। Given a speech about things he never said, the video looked real, it looked like the president speaking. Since then, the technology has gotten better and better, and we're seeing a lot of other examples of these hyper-realistic videos that look like this famous celebrity. Hey, tusi video dekhya? Hun ik hor video tuhanu dikhanne aa. Awaaz. Meri awaaz kar do ji. Did you ever think you would see the PM do garba? मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूँ और मैं खुद भी देख रहा हूँ क्या बढ़िया बढ़ रहा है। Let's have a look at it again. There is a twist in the story. जी, ता तुसी ये दो वीडियो देखें, एक विच अमेरिका दे फॉर्मर प्रेसिडेंट सी के बराक ओबामा ते दूजे विच भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दो ऐसी शख्सियत ने जिहड़े पूरी दुनिया जानती है, लेकिन दोनों वीडियोज वो दोनों नहीं सीगे, यानी कि बोल नहीं रहे सीगे। साडे नाल राजेश राणा जी ने और गल करांगे डीप फेक दी। जी हाँ, बड़ा चर्चा का विषय है डीप फेक। क्या मेरी आवाज सच्ची थोड़े को जा रही है या मेरा चेहरा जा रहा है? और इदां दे जिहड़े डीप फेक वीडियो ने जिन्हां तों हुण पूरी दुनिया एक परेशानी भी होएगी और अगे कानून भी बनन जा रहा है। राजेश राणा जी, क्योंकि इंडिया के जाने माने साइबर एक्सपर्ट ने, गलबात करांगे। राजेश जी, असीं दो वीडियो देखे, एक च बराक ओबामा दूजे च मोदी, जबकि ये दोनों ही नहीं सीगे। और डीप फेक एक करंट बहुत वड्डा इशू है। बिल्कुल। तो राजेश जी, ये दसो कि आखिर डीप फेक पहला है की है, वर्ड की है? देखो, डीप फेक यह है जे एक तरह तो फेक वीडियो ऑडियो या फोटोग्राफ जिन्हां नूं पहचानना बहुत मुश्किल होए। डीप फेक मतलब डीपली इंटीग्रेटेड, हर चीज नूं लिप्स मूवमेंट तो लैके फेस ते जिन्ने भी एक्सप्रेशन या जिन्ने भी पैरामीटर्स होंगे उन्होंने ध्यान से रख के बनाया जाता है। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। तो राजेश जी, तुसी पिछले 25-30 सालों तो इस लाइन च हो, थोड़े कोल जांच एजेंसियां भी आंदी रहिंदियां ने, सारे आंदे रहिंदे ने। डीप फेक नूं लैके सरकार ने कहता जी असीं 10-15 दिन के अंदर कानून बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यह नहीं पता लगता कि बंदे की आवाज कॉपी कर लो, उसकी फोटो ला लो। तुसी किवें देखदे हो कि बचाव दे, हालांकि कानून आएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आएगा। रश्मिका मंदाना का ऐसे एपीसोड देखा कि उसकी फोटो फेस से लाती थी। थोड़े कोल की है लेटेस्ट के किवें तुसी इसे कर रहे हो, क्योंकि थोड़े कोल भी नैचुरली कंसर्न आते हैं? देखो, कानून बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसी की टेक्नोलॉजी है जिहड़ी एक मिनट के विच कुछ भी कर सकती है। एक वीडियो ऑडियो या कोई भी फोटोग्राफ जिहड़ा हैगा एक बार वायरल हो जाता तो उन्हें वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिहड़े क्रिमिनल्स हैं उसका फायदा चुक सकते हैं, जिहड़े एंटी सोशल एलीमेंट्स हैं उसका फायदा चुक सकते हैं, किसी भी तरह के रायट्स वगैरह इंजीनियर करने वास्ते यूज कर सकते हैं। तो यदि एनालाइसिस वास्ते भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ते इन्वेस्ट करना बड़ा जरूरी है। सैकेंडली, कानून बनना वाकई जरूरी हैगा, जिनी जल्दी हो सकेगा उन्ना जल्दी बेनीफिट मिलेगा। तुहानू लगता है कि कानून बनने तो बाद, क्योंकि जो एक चीज कोई आ जाती है वो जब तक उसका नुकसान बहुत हो चुका होता है, तो कानून बनने तो बाद तुहानू लगता है कि कानून की गिरफ्त विच ये लोग बहुत ईजी आ जाएंगे या लभना बहुत औखा है? लभना औखा नहीं हैगा, जदों पर्टिकुलरली वीडियो किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही अपलोड करेंगे, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या और किसी भी तरह या व्हाट्सएप, सर्टनली आईडी जनरेट होगी तो उतों ट्रैक करना ईजी होंगे। उन्होंने ट्रैक भी किया जा सकता है, उन्होंने फड़िया भी जा सकता है, एग्जाम्पल भी सैट करने पैणगे गवर्नमेंट नूं कि एक एग्जाम्पलरी वे दे विच उन्होंने एक पनिशमेंट मिली है थ्रू द लॉ ऑफ कोर्ट कि जल्दी जल्दी इहदे विच डिसीजन होण, क्योंकि काफी ज्यादा क्रिमिनल्स इस चीज का फायदा चुकन की कोशिश करते हैं भी केस हो भी जाएगा तो कुछ साइबर एक्ट भी बने हुए। साइबर एक्ट है हैं, बट इट्स नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट, खास तौर पर इदा के केसिस दे विच इट नीड्स टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट इन दिस काइंड ऑफ केसिस, कि भी जेडे किसी भी कोई भी पर्सनैलिटी हो, चाहे वह मीडिया तो हैगी है, चाहे वह इन्फ्लुएंसर है, चाहे पॉलिटिशियंस है, उन्होंने आवाज का या उन्होंने चेहरे का मिस यूज करके की क्रिएट किया जाता है, किदा का मैसेज भेजा जाता है। तो एक गलत मैसेज कुछ भी नुकसान कर सकता है, किसी का भी नुकसान कर सकता है, जनता का नुकसान कर सकता है। राजेश जी, पहला भी देखो इन्ने साल तुसी देख रहे हैं कि किसी की क्रॉप करके फोटो यूज करते, डीप फेक च की फर्क है?
क्रॉप करके फोटो नू एनालाइज करना बड़ा इजी है। डीप फेक दे विच ए चेहरा एकदम तो एम्बेड हो जाता है, एक नया फ्रेश वीडियो बन के आता है, जिन्हों सेग्रीगेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। एक बार जरा स्क्रीन ते आपा देख लिए कि आपा जिहड़ी डीप फेक दी गल कर रहे हैं कि एग्जैक्ट ए किवें बनाता, जिदा ओबामा दी गल करिए या प्रधानमंत्री मोदी दी गल करिए या होर कई शख्सियतां दी गल करिए कि इन्हां नू किवें बनाया गया, पहलां थानू दस दिंदे हां जी। एक तरह तो तुसीं इहनू देखोगे तुहानू अगे जाके इहदा एग्जाम्पल मिलेगा एक ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਫੇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੈ ਐਗਜੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਪੁਟ ਸੋਰਸ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਫਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। That trained most of these butchers himself. The ones you made this morning look beautiful. Oh, yeah, yeah, fine. There really are no butcher schools. Restaurants will ask me, Pat, where do you get your butchers from? I'm like, we don't get our butchers, we make our butchers. Like this. Oh, basically... ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਡੀਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਵਾਇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵਾਇਸ ਇਮੀਟੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਸੈਂਪਲ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਬਟ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਚ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਟ ਉਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਪਸ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੇਮਸ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਦਾ, ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫੇਸ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਟਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਫਲੀ ਲੋ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਲੋ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਪ ਫੇਕ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੁਇਕਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਮ ਗੁੱਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਡੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੂਲਸ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੂਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਲੌਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਹਾਲੀਆ ਕੋਈ ਆਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਪ ਫੇਕ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਡੀਪ ਫੇਕ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੋਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੇ, ਕੰਸਰਨ ਇਹੀ ਹੁਣ ਡੀਪ ਫੇਕ ਦਾ? ਕੰਸਰਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਭੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦਾ ਟੂਲਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਅਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਏ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਪ ਫੇਕ ਉਹਨ ਖਾਸਕਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸਕਰ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਐਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ, ਖਾਸਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਡੀਪ ਫੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਨ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪੋਰਨ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸਟਮ,
क्या कोई ऐसा दा ऐप आएगा कि जी ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये डी फेक हो गया या होर थानू खतरों तो बचा सकता है, क्योंकि उदा भी कई बार मिसयूज हो सकता है? देखो उस चीज नू आम जनता का बहुत इंटरेस्ट होंदा नहीं इन्हां चीजां दे विच, उन्हां नू बेसिकली तो न्यूज चाहिदी हुंदी है ते उन्हां नू अगे फॉरवर्ड करना हुंदा है। यह आपां नू सोर्स लैवल ते ही रोकना पेगा जिहड़ा बहुत जरूरी है, खासतौर ते जिवें अपलोड होना है जिथे भी तुहाडे कोल तीन या चार मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, अगर आपां नू उस सोर्स लैवल ते ही रोक दिता जाए तो डैमेज बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अपलोड ही नहीं होएगा अल्टीमेटली। अगर कोई किसी फॉरवर्ड भी करेगा तो आइडेंटीफाई हो जाएगा, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाए, व्हाट्सएप नू टैग कर दे, जिम्मे ट्विटर ने पिछे शुरू किया कि दिस वीडियो इज नॉट ट्रू और समथिंग लाइक दैट, बट वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन चुकता है ता करते हैं, जबकि अपलोड करते वे ही अपलोड ही ना कर दे। एक बार फिर तो जरा दस दी है कि डीप फेक नू जिदा लैके कि आवाज थोड़ी कॉपी और पूरा फोटो लैके किवें ये चीज हो रही है देखो, और लेटेस्ट मतलब लोग की टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी कर रहे ने, दुरवरतो भी है। एक मिनट जी। हाँ जी, ये बहुत एक इंपोर्टेंट इशू भी बन चुका है, क्योंकि सरकार ने साफ कहता कि 10-15 दिन के अंदर असी वो भी लवांगे। बिल्कुल, हुण जिदा एक चेहरा है। हाँ जी, इस चेहरे नू मल्टीपल चेहरों के विच कन्वर्ट किया जा सकता है, सेम फोटो ए चीज है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ईजी है आइडेंटीफाई करना, सॉरी इथे दिखाना, एंड दिस परसन इज स्पीकिंग, ते फेस ओदा है। अच्छा, हाँ जी। Pat's great grandfather opened a Brooklyn butcher shop in 1922. After moving the operation to Manhattan's growing meatpacking district, like this, Pat's grandfather took over and started Pat LaFrieda Meat Purveyors. Pat started learning the job as a child. My favorite times were cutting meat with my grandfather. In, अभी जैसे आज ही और मैं खुद भी देख रहा हूँ क्या बढ़िया बढ़ा है। ये मतलब एक बड़ा इशू जिदा ये वॉइस दा की भी जिदा होता है। वॉयस सैंपल लैके उस वॉयस सैंपल नू बेसिकली वो लोग यूज करते हैं उदे वास्ते, और जिदा किसी बड़ी हस्ती दी आवाज नाल मैच कर देंगे। हाँ जी, और सॉफ्टवेयर यूज करके। हाँ, वॉयस सिंथेसाइजर होंगे, वॉयस सिंथेसाइजर कहते हैं आप, कि तुहाडी वॉयस लैके तुहाडी ही वॉयस दे विच असीं कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फेस ला के? हाँ जी, हाँ, फेस लाण दी लोड़ ने, फेस सॉफ्टवेयर लगाएगा। हाँ जी, दीज आर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, ओदे थ्रू हुंदा है। चलो, उम्मीद है कि छेती चीज नू। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं जनता इस खतरे तो बची रहेगी। बिल्कुल, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी तुहाडा। जिदा तुहानू दस्या सी, क्योंकि एक्सपर्ट ही दस सकदे ने, और पिछले 25-30 सालां तो राणा जी एक्सपर्ट ने साइबर दे, और इन्होंने कोल तमाम जिदा सिक्योरिटी एजेंसी असी देखिया भी है कि किवें डीप फेक यानी कि थोड़ी आवाज नू थोड़े फेस नू यूज करके कुछ भी ये जिहड़े शरारती आंसर ने अजकल टैक्नोलॉजी का मिस यूज करके यूज कर सकते ने। बचन की लोड़ है, थानू अलर्ट रहण की लोड़ है। फोन जिहड़ा हैगा उहदे विच काफी कुछ अजकल है टैक्नोलॉजी है, लेकिन दुरवरतों भी हो रही है, इस करके थानू बहुत अलर्ट ते बहुत सजग रहने की लोड़ है। इसे करके असीं अज खास तौर ते डीप फेक ते तुहानू एक पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद है तुसी सतर्क रहोगे और बाकियों नू भी सतर्क रखोगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू दे नाल उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।